खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, चंद्रग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है तो चंद्रग्रहण होता है। इसको देखने में कोई नुकसान नहीं कि चंद्रमा का जो उजला हिस्सा जो हमको देख रहा है, पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा उजला होता है, उसमें धरती की छाया में थोड़ा डार्क दिखने लगेगा तो ऐसा लगेगा चंद्रमा जैसे धीरे घटता जा रहा है। तो इसमें किसी भी किस्म का हमको नग्न आंखों से देखने से, चश्मे से देखने से कोई खतरा नहीं है। चंद्रग्रहण के समय क्या एहतियात बरतें? कोई एहतियात नहीं, बादल छट जाए तो आराम से उसको देखिए। आज चूंकि दिक्कत यही है कि आज बादलों का दिन है, मानसून का सीजन चल रहा है, तो अगर जैसी चंद्रमा देखे उसको आप देख सकते हैं। कोई किसी किस्म का कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। आप दूरबीन से देख सकते हैं, दूरबीन से आप चंद्रमा के अलग अलग क्रेटरों पर से छाया जब गुजरती दिखती है तो बहुत सुंदर नजारा होता है। नग्न आंखों से देखने से आंखों को क्या नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा की रोशनी कम हो गई है। चंद्रमा की रोशनी से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। चंद्रमा की रोशनी मतलब धरती पर थोड़ा सा उजाला करती है, सूर्य से बहुत ज्यादा तेज होती है। सूरज की ओर सीधे नहीं देखना चाहिए और सूर्य ग्रहण जब पार्शियल होता है उसको नहीं देखना चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण को आप सुरक्षित तरीके से आंखों से भी देख सकते हैं। इसीलिए चंद्रमा का ग्रहण होता है उसको उसकी हर एक स्टेज में बिल्कुल बिना किसी स्पेशल प्रिकॉशन लिए आराम से उसको देखा जा सकता है। बल्कि दूरबीन या बायनोक्यूलर देखेंगे तो बहुत सुंदर दिखाई देगा।